स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास टेंथ के जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पद्यांश आधारित जो प्रश्न आएंगे, यानी आपकी बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में, जी हां, हिंदी के पेपर में जो पद्यांश आएगा और पद्यांश आधारित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनको आपको कैसे हल करना है और उन प्रश्नों का आंसर आपको कैसे लिखना है, सही तरीका क्या है उन प्रश्नों को लिखने का, ताकि आपको ये 6 नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएं। क्योंकि जो पद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, आपको यहां से मिलेंगे 6 अंक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर देने का तरीका, और इसके लिए मैंने आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया है, यानी आपके लिए यहां पर लेकर के आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश, जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह पद्यांश रचित किसके द्वारा है, यानी यह जो पद्यांश है सूरदास जी के द्वारा रचित है, किस पाठ से लिया गया है, पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। पद्यांश क्या है, चरण कमल वंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौ तेहि पाई। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे मित्रों में। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यह पद्यांश है और इस पद्यांश पर आधारित है यहां पर 3 प्रश्न। इस पद्यांश पर आधारित कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न जो आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ से रिलेटेड प्रश्न होगा और यह प्रश्न आएगा 2 नंबर का। और इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जिस प्रकार से गद्यांश में रेखांकित अंश होता है जिसकी व्याख्या करनी होती है, ठीक उसी प्रकार से 2023 की बोर्ड परीक्षा में पद्यांश में भी रेखांकित अंश होगा और उसी अंश की, यानी जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी। और अगला प्रश्न यहां पर है कि इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि यह जो तीसरा प्रश्न है, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि दिए गए पद्यांश में कौन सा रस है या दिया गया पद्यांश किस छंद में है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे कि जितने भी पद्यांश हैं महत्वपूर्ण 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, सभी से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और सभी महत्वपूर्ण पद्यांशों से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, गद्यांशों से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं और हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आप हिंदी विषय में 70 में से 65 प्लस पक्का लेकर के आओगे, और साथ ही आप सामाजिक विज्ञान विषय, हिंदी विषय के साथ साथ गृह विज्ञान विषय और चित्रकला विषय की भी बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इस पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है, पहला कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, सूरदास जी का कोई भी पद यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो यदि आप संदर्भ इस तरीके से लिखते हैं तो आपके संदर्भ के नंबर बिल्कुल कटेंगे ही नहीं। बस आपको ध्यान क्या देना है कि संदर्भ लिखते समय आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने हेडिंग डाल दी है उत्तर और इसके बाद आ और इसके बाद हेडिंग क्या डाली है, संदर्भ। इसको अच्छे से अंडरलाइन कर दिया है। आपको रेड पेन का इस्तेमाल कहीं नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैक और ब्लू, यानी काला पेन और नीला पेन का ही इस्तेमाल करना है। मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता रहा हूं जिसमें मैंने पद्यांश हल कराए हैं, सभी में बताया है आपको कहां पर किस पेन का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से संदर्भ हेडिंग डालना है और संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी आप ब्लैक
ब्लैक पेन से लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा दोनों तरफ से। फिर इसके बाद के काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना है दोनों तरफ से। फिर इसके बाद आगे क्या लिखना है, पद शीर्षक से, यहां पर काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से, पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। उद्धृत है जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। रचयिता यानी रचनाकार का नाम भी आपको ब्लैक पेन से अच्छे से लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना है। तो संदर्भ लिखते समय आपको मैंने जितनी चीज बताई उतनी चीज आपको ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी आपको नीले पेन से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। यदि पद्यांश किसी अन्य पाठ से होता तब आपको संदर्भ कैसे लिखना होता, मान लीजिए यह पद्यांश होता वन पथ पर शीर्षक पाठ से, तब आप संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, इतना तो आपको सेम ही रखना है और यहां पर पाठ का नाम बदल देना है, यहां पर क्या कर देना है, वन पथ पर। यदि पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में वन पथ पर पाठ से लिया गया हो तब आपको वन पथ पर यहां पर लिख देना है ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में। फिर इसके बाद जिसके रचयिता कौन है, तो वन पथ पर शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो आपको संदर्भ में ज्यादा कुछ नहीं परिवर्तन करना है, बस आपको पाठ का नाम और रचयिता का नाम बदलना है, बस संदर्भ सेम आपका यही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ पद्यांश में जो भी जिस पाठ से पद्यांश होगा उस पाठ का नाम और उसके जो रचयिता हैं उनका नाम आपको बदलना है, बाकी संदर्भ सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। जितना ब्लैक पेन से लिखना है उतना ब्लैक पेन से आपको लिखना पड़ेगा और ये दो नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अब पद्यांश का अगला प्रश्न क्या है, यहां पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है, जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। तो यहां पर रेखांकित अंश क्या है कि जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, इतना अंश है रेखांकित। और यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में इस लाइन के बजाय यहां पर तीसरी लाइन को रेखांकित कर दिया जाए या चौथी लाइन रेखांकित हो तब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल सरल आपको मैं सोल्यूशन देना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा कि आपको मैंने सूरदास जी के जितने भी पद हैं, सूरदास जी के जितने भी पद हैं या जितने भी पद या पद्यांश हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सभी पद्यांशों की व्याख्या से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जरूर देख लें। कंप्लीट व्याख्या बताई है, संदर्भ भी बताया है और काव्यगत सौंदर्य भी बताया है। तो चलिए मैं आपको इसकी व्याख्या बताता चलूं कि चरण कमल वंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूं, क्यों, क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति क्या लांग जाता है, पर्वत को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और अंधा व्यक्ति क्या करने लगता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरा व्यक्ति जो होता है वह सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई। यदि भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा किसी भिखारी पर पड़ जाती है तो वह क्या करने लगता है, वह भी राजा की तरह सिर पर सोने का छत्र धारण कर चलने लगता है। और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौते पाई, सूरदास जी ऐसे करुणामयी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। तो आपको मैंने सरल व्याख्या बता दी, अब यहां पर जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या कैसे लिखी जाएगी, इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, अंडरलाइन भी कर देना है। इसके बाद यहां पर है रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, यहां पर रेखांकित अंश क्या है कि जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो यहां पर व्याख्या क्या हो जाएगी कि मैं श्री कृष्ण के, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल सदृश चरणों की
वंदना करता हूं, क्योंकि इन चरणों में वह शक्ति है कि लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है। यदि इन चरणों की कृपा किसी लंगड़े व्यक्ति पर हो जाती है तो वह पर्वत को लांघ सकता है, अंधा सब कुछ देखने लगता है, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। अगला प्रश्न है यहां पर पद्यांश का कि इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा कि इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो कोई भी पद्यांश होगा आपको पद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर इसी तरह से देना है। संदर्भ लिखने का मैंने तरीका बता दिया है, जो टॉप करने वाले छात्र होते हैं वो भी इसी तरह से संदर्भ लिखते हैं, और इसी तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या भी की जाएगी, और जो अगला प्रश्न आएगा पद्यांश आधारित उसका भी आंसर आपको इसी तरह से लिखना है। मतलब कि यदि इसी तरह से आता है प्रश्न कि इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, यही पद्यांश आ जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो उत्तर यही सेम रहेगा, और यदि पद्यांश बदलता है तो उत्तर बदल जाएगा। बस आपको करना क्या है, चैनल के प्लेलिस्ट में महत्वपूर्ण पद्यांशों पर आधारित वीडियो देख लेना है और अपनी नोट्स भी बनाते रहना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।